भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के काफिले पर 2 अप्रैल को राजस्थान में हमला हो गया। बताया जा रहा है कि हमला अलवर जिले के ततारपुर चौक पर हुआ। टिकैत राजस्थान में अलग अलग हिस्सों के दौरे पर गए थे, जहां उनको किसानों से मिलने का कार्यक्रम था। वो हरसोरा में एक सभा को संबोधित करने यहां पहुंचे थे। इसी बीच अलवर में उनकी कार पर हमला कर दिया गया। कार के शीशे तोड़ दिए गए, काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी भी की गई। हालांकि टिकैत और उनके साथ के लोग सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि देर रात इस मामले में अलवर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एबीवीपी कार्यकर्ता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक 33 लोगों ने स्वागत करने के बहाने टिकैत की गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। राकेश टिकैत के सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। पिस्तौल छीनने की कोशिश पुलिस वालों का भाई फायरिंग हो तो फिर ये कहते हुए फायरिंग हो मतलब पिस्तौल छीनने को रही पत्थर मारे जिससे तोड़ दिए लाठी बजाई हमें तो मगर भाई कर देते तो हरकत कर रहे हैं इनको दे देंगे इनके खिलाफ जहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो ही कर लेंगे उन्हीं को हमने बताया वो तो बीजेपी का कोई विधायक बदला के बीजेपी का विधायक है उसने भी तो क्या कितना नुकसान हो गया सरकार अभी तो देखे नहीं हम तो आगे आ गए थे तो गाड़ियाँ वो बता देंगे वे फिर वहाँ पर ये लोकल के लोग ही कर रहे सर क्या इसमें हाथापाई उसकी हाँ हाथापाई हुई तो मारपीट करी तो चोट लग रही ये रजिस्टर चोट लग रही अरविंद को बुलाइए लाठिया लग अरविंद हाँ साई काम तो साई करें जब करें आगे तो आंदोलन चलेगा ही है। हाँ ये केड़ा होगा आंदोलन चलेगा देखो जब तक कानून वापसी नहीं होते एमएसपी पे कानून नहीं बनता इस पे कमेटी नहीं बनती क्योंकि तो कानून ये तीन थोड़ा है कानून तो ये होड़ले का आ रहे अगर ये नहीं रोके गए तो इस साल में पूरे देश को बेच देंगे ये और किसान को तो ऐसा बांध देंगे कि किसान तो चसकड़ेगा ही नहीं सर आप बांसुर में आए पहली बार हाँ लोगों के लिए तो यही है कि भाई टैक्स लगवा लो पर आंदोलन तेज होगा सांसद तो कब कुछ करने की तैयारी करेंगे वहाँ पे भी फसल तो बेचेंगे अपनी प्रधानमंत्री ने कह रखा हमें क्या जा रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो तो हमें तो भाई बढ़िया मंडी पार्लियामेंट की लगी उससे बढ़िया मंडी हो ही नहीं सकती एक काउंटर तो खुलना अडानी का वहां से ट्रक लग जाएंगे तुलते रहेंगे और वहां जाते रहेंगे धर्मकांटे की पर्ची चल जाएगी धर्मकांटे पर तुल लेंगे वहां आएंगे खाली होगा लोडिंग और अनलोडिंग तो हो जाती है आगे की रणनीति कैसी रहेगी रणनीति ठीक रहेगी आंदोलन चलेगा ये लंबा चलेगा अभी आंदोलन उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में जाकर समझौता होगा 8 महीने और चलेगा अभी 1.5 से 2 साल तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया वो तो आ जाएगा 1 साल तो हो लिया 6 महीने तो रहेगा उसमें 6 महीने आंदोलन नहीं चला लेंगे क्या फिर घर से आकर वापसी आते फिर गर्मी हो रही यहाँ गर्मी लगी आपको आज राजस्थान के अलवर जिले में आप थे वहाँ के वहाँ आप एक पंचायत कर रहे थे दूसरी पंचायत में आप जा रहे थे ततावर चौराहा एक है वहाँ कुछ घटनाएं हुई थी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये घटना अलवर के जिले की है और जब वहाँ से हरसोली से एक पंचायत कर वहाँ पे जा रहे थे बानसूर एक जगह है दूसरी और ततावर चौराहे के बीच में चौराहा है वहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ भी थे बाजार भी वहाँ पे है तो वहाँ पे हुआ कि करीब 30-40 लड़के वहाँ पे थे और उन्होंने गाड़ी रोक कर गाड़ी के आगे सामने गाड़ी रोकी पहले वैसा प्रदर्शन उन्होंने दिखा फिर पहले उसमें बैठ दी भाई पूर्ण रूप से उन्होंने गाड़ी पर डंडे और पत्थर से गाड़ी पर हमला करा और अपने जो लोग थे उनके साथ में भी मारपीट करी जो अपना गनर थे साथ में उसके उसका पिस्टल पे भी उन्होंने खोसने की कोशिश करी तो ये पूरी घटना हुई गाड़ी के शीशे तोड़े गए और मारपीट करी गई ये घटना वहां पे हुई हम लोग आगे चले गए थे फिर लोग वहां पे धरने में बैठे पुलिस फोर्स आई उनके खिलाफ लोकल के जो लोग अपने थे उन्होंने उनके खिलाफ तहरीर दी ये सारी घटना हुई और एमपी है वहां के मेंबर पार्लियामेंट
उनके वो लोग थे।